रहते हैं तो दिल थोड़ा बहुत ससुराल में रहता ही है, क्योंकि वहाँ पर जो दिन बिताए हैं वो हमें कहीं ना कहीं याद आते ही है, सबको याद आते हैं, और स्पेशली हमारे सैया जी। तो इतने दिन सैया जी भी हमारे साथ थे हमारे मायके में, तो खुशी दुगनी हो गई, चार गुनी हो गई थी, नहीं सैया जी? हमको, हम तो सिर्फ यहाँ पे 15 दिन रहे ना, फिर भी हमको दुख हो रहा है जाने का। आपका महीना कल से, हम चारों का मूड कल से ही टीम चल रहा था, डाउन चल रहा था, क्योंकि कल से ऐसा था कि यार कल वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है करके। वहाँ पर कोई हमें दुख नहीं है, हम वहाँ पर भी खुश है, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन वतन पर क्या होता है कि अपने गाँव की, गाँव में रहने की खुशी जो होती है वो अलग ही होती है। वो हमारे मम्मी पापा भी एग्री करेंगे, दिशा वाले, कि जो अपने वतन में रहने की खुशी है वो अलग ही होती है। जो हमने बचपन से बड़े हो के जो जहाँ पर जो दिन बिताए हैं वो जगह हमें अजीज होती ही है, कुछ भी कह लो। जैसे कि मम्मी पापा को होगा हमारा अमारा गांव, उनको अजीज है, वैसे ही हम दोनों को हमारा मायका अजीज है। और इन सबको छोड़ के जाना, आप देख सकते हो मेरे भाई कितने प्यारे है, टचवुड सब लोग अच्छे हैं, सबको छोड़ के जाना यार उदास कर देता है ये सारी बातें। जो जो मेरी जैसी बहनें हैं वो समझ पा रही होगी इस बात को कि अपने मायके को छोड़ के जाना कितना। भाभी बोल रही थी कि रोते हुए नहीं जाते, हंसते हुए जाते हैं, पर क्या करे, नहीं होता कंट्रोल वो क्या, उनको भी होता है ना कि बेटी घर से रोके जाती है तो अच्छा नहीं लगता। अब जाएंगे बा को लेने, उसके बाद पूछ जाएंगे, और उसके बाद दिशा सीते। कल हम लोगों ने दौलतपुर से बा को ले लिया है, बा अब हमारे साथ है, अब हम जाएंगे सीधा पूछ। नाश्ता कुछ खाने के लिए, कुछ अचर पचर खाना पड़ता है मुझे, वरना मेरा वॉमिटिंग चालू हो जाती है, सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो थोड़ी टॉफी वगैरह लेनी थी, छोटी छोटी नहीं आती ऑरेंज कलर की, बस वही जो तरेश भैया अभी गए हैं लेने, और बस दो तीन और काम थे जो हमारे सैया जी ख़त्म करके आए हैं। सैया जी, आपको इतना एटीट्यूड किस बात का है? नहीं, एटीट्यूड नहीं है तो क्यों नहीं बोल रहे हो आप? नहीं, आज ज्यादा ताजा कर रहा हूँ, मैंने 10 साल क्या 12 महीने एक बार आते हैं तो देखते हैं पूरा वतन अपना कैसा है, कैसा नहीं है, क्या नया बना है, क्या नहीं बना है, ऐसा होता है। बाकी और एटीट्यूड बेटीट्यूड कुछ नहीं है, ये याद है हमारी यहाँ पर। दिन प्रतिदिन हमारा गाँव डेवलप होता है, हम देखते है बहुत सारी चीजें जो नई बनती है, नई जुड़ती है हमारे गांव से, अच्छा लगता है देख के। चलो तो तरेश भैया भी आ गए हैं तो हम अपना सफर कंटिन्यू करते।
भगवान के दर्शन करने के लिए। अभी भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं, कपड़े जो खरीदे थे वो चेंज करने हैं, एक्सचेंज। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी कपड़ों में, कपड़े एक्सचेंज करने के लिए हम अभी चार जन निकले। शॉपिंग करने के लिए, चेंज करने के, तो चेंज कर लिया हमने। अब हो गया हमारा काम, तो हम वापस जा रहे चलो उड़ जाइए। प्लान में थोड़ा चेंज है, हम लोगों ने मंदिर जाने से पहले थोड़ा नाश्ता करने का सोचा है। ये दही बड़ा और ये खमण और ये बेल। हमारा नाश्ता हो गया है, अब हम जा रहे हैं स्वामी मंदिर। थक के थाबड़ा हो गए हैं। देखो मेरे सैया जी, तो देखो हालत खराब है हमारी, तो ये बात है। सब लोग थक गए हैं, अभी 20 किलोमीटर है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 7:15, 7:48 हो रही है, तो 6:48 हो रही है। मारा आते आऊज था, आऊज से घड़ियाल भी बाबत में आता था। बाकी क्या गए कौन सा थारा जी का पड़े भी साथ में। अच्छा, मारो मगज पहले 8 बजे आए थे, 7:15 बज रहे हैं। तो चलो अब दिशा पहुंच के बात करेंगे। हम लोग दिशा पहुंच गए हैं, दिशा में एंटर हो गए हैं। और ये हमारी दिशा की सबसे बड़ी नदी है, बनास नदी कहते हैं, जो अभी सूखी पड़ी है। पता नहीं तरेस बोल रहा है कि बनास नदी है ये, मुझे नहीं मालूम था। बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी है, पर नदी कभी सूखती नहीं है। वो क्या है, डैम बना दिया ना, डैम बना ना आगे। कौन सा डैम, नाती वाला डैम है ना। हाँ, वो बना इसलिए पानी बंद हो गया। पहले पानी रहता था। अच्छा, वो उसी वजह से हुआ होगा, वरना मैं तो सोच रही हूँ नदियाँ तो कभी सूखती नहीं है, पता नहीं।
और अब सामान निकलेगा सारा। जय स्वामीनारायण। सामान निकल रहा है ये। ये हमारा घर है। जिंकल यहाँ से सामान निकल रही है। जय स्वामीनारायण। हम लोग घर वापस आ गए। देखो ये सामान। देखो हमारा सामान एक बरस के लिए हमारी गाड़ी में हमारा सामान और हम सब थे। ये सामान हमारी गाड़ी में बरोबर पहुंचे हैं। मजा मजा। अब ये चिंकल चूड़िया सेट कर रही है। ये जुगाड़ है चिंकल का। अभी 8:20 हो रही है और हमारा खाना चल रहा है। आज भूत से पफ आए हैं, सब लोग खा रहे हैं। स्पेशल अभी रात के 10 रहे हैं। हम लोग फ्रेश हो गए हैं, अब सोने जा रहे हैं। आज के ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूंगी। मिलेंगे हम कल वापस आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। अब आज से वापस से दिशा के व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। कल से वापस से दिशा के व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। अब कच्छ के व्लॉग नहीं आएंगे। तो बस बाय। What doesn't mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just